हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 पर। अब होगी हमारी क्लास चेंज। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 से, ठीक है, जो कि आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा रिसोर्सेज। देखो, पहली बात तो ये कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 या फिर ज्योग्राफी या कोई भी चैप्टर भी आप पढ़ने वाले हो, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं 6, 7 से रिलेटेबल होंगे। आपने बहुत चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें आपने उसमें पढ़ ली होंगी, अब थोड़ी एडवांस चीज़ें आएंगी और जो कुछ बेसिक चीज़ें होंगी मैं उनको कवर अप नहीं करूँगा, जिससे कि आप उन वीडियोस को जाके एक बार थ्रू आउट वॉच कर लेना, जिससे कि आपके उसमें भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो बहुत चीज़ें ऐसी है कि रिसोर्सेज वाला चैप्टर आपके 6 में भी था, 7 में भी था, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कोइंसिडेंसली कि मैं आपको बहुत बार रिपीट करूँगा। तो रिपीट करने से अच्छा है कि एक बार इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी ना, मैं या तो उनको येलो में मार्क कर दूंगा या फिर मैं उनको समझा दूंगा। तो पहली बात समझते हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्स मतलब ये चीज़ें हो सकती हैं जो आपको हर एक चीज़ में सेटिस्फाई कर सकती हैं। मतलब अगर आपके लिए आपका फ़ोन है तो वो एक रिसोर्स है, जिसमें अभी वीडियो देख रहे हो तो आपकी ज़रूरत है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उस चीज़ को, तो आपकी नीड्स को पूरा करने वाली चीज़ें कहीं ना कहीं रिसोर्स के रूप में यूज़ होती है। अब बेसिकली हम हर चीज़ को रिसोर्स में नहीं रख सकते हैं, और उसके लिए हम लोगों ने इसको 3 प्रकार से डिवाइड किया है। पहला है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा आपका है मैन मेड रिसोर्सेज, और तीसरा आपका है ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके 3 रिसर्च में बहुत चीज़ें आपको सामान्य देखने को मिल सकती हैं इन कंडीशंस के, ठीक है। पहली बार देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज विच वी हैड ड्रॉइंग बाय फ्रॉम द नेचुरल एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन एज नोन एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरली आपको पूरे के पूरे इन्वायरमेंट्स के अंदर आपको अवेलेबल्स होंगी, वो चीज़ें आपकी मोस्ट ऑफली कहाँ पे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे। अब देखो, आपको फोटोज़ में आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए मैंने इसको फोटोज़ के लिए लास्ट में एक अच्छे से एक अलग पेज में मैं रखा हुआ है, जिसको हम कहेंगे ये वाला फ़ोटो। ये जो आपका फोटो दिख रहा है ना, ये आपका है नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसके अंदर आपके विंड पावर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, लैंड, सोलर, वाटर, एनिमल रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स। तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल रिसोर्स होंगे। फिर आपका अगला पॉइंट है जो कि है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कौन सा है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज चेंज बाय द ह्यूमन बीइंग एंड इट मेक फॉर द मोर यूजफुल, इट इज कॉल्ड अ मैन मेड रिसोर्स या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स। समझ में आ गया आपको कि अगर कोई भी नेचुरल चीज़ है जिसको हमने उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको चेंज करके उसको कन्वर्ट कर दिया जिससे कि उसका मोर यूजफुल हो पाए, तो हम उसको ह्यूमन मेड बेड में रख सकते हैं, इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज़ों के अंदर उसको हम रख सकते हैं। जैसे कि आपका आपको बस दिख रही है, ठीक है, अब नेचुरल तो बनने वाली है नहीं, राइट, नेचुरल नहीं बनने वाली, पर उसके अंदर यूज़ होने वाले मिनरल्स, उसके अंदर यूज़ होने वाला आयरन, उसके अंदर यूज़ होने वाले कॉपर वायर्स या फिर उसके अंदर यूज़ होने वाले टायर्स, तो इन सब का मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं नेचुरली प्रोडक्ट से होता है। कि जैसे मेटल है तो आयरन ऑयल से निकलता है, आयरन ऑयल कहाँ, ज़मीन के नीचे होता है, तो ज़मीन के नीचे क्या है, वो नेचुरल तो हुआ इनडायरेक्टली, अब वो जब नेचुरली वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो उसको बाहर निकाल के उसमें डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, तो उसको क्या कि हमने मॉडिफिकेशन दिया, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद उसको हमने आयरन में कन्वर्ट किया, और आयरन में कन्वर्ट होने के बाद उसको हमने बस में कन्वर्ट किया, तो इसे कहेंगे मैन मेड रिसोर्सेज। आपका लास्ट आता है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन सा आता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, दिखाता हूँ आपको, मैं आपको दिखा गया, ये रहा आपका, क्या है आपका, ह्यूमन रिसोर्सेज। द पीपल्स आर और ह्यूमन रिसोर्सेज, हम हैं, आप हो, मैं हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, आपके आस पड़ोस वाले जितने लोग हैं सबके सब क्या हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन एंड हेल्थ, क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्थ टू मेक अ पीपल वैल्यूएबल रिसोर्सेज। इन लाइक लाइफ इतना समझ लो कि ह्यूमन रिसोर्सेज में वो इंसान आ सकते हैं, फिर वो लोग आ सकते हैं जो लोग सोच सकते हैं, जो लोग सांस ले सकते हैं, वो आपके इनडायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स में आ गए। क्लियर? ओके ओके। आगे दो जो देखो, मैं जो बीच चीज़ की पार्ट जो पार्ट्स हैं मैं उसको कवर अप नहीं कर रहा हूँ। अबायोटिक और बायोटिक को मैंने आपको 7th क्लास के अंदर डिटेल्स में समझा दिया था, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। तो कम से कम जाके उन वीडियोस को अगर आपने रेगुलर देखा होगा ना, तो आपको इसमें आप इसी चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बात करते हैं कि एक्चुअल रिसोर्सेज क्या कहते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज दो रिसोर्सेज क्वालिटी रिच डिपॉजिट, कोल्स,
समझ में आ रहा है, कोल्स, डार्क सॉइल, डेक्कन प्लेट्यूज, महाराष्ट्र के अंदर जो अपने गुजरात वाला पूरा एरिया है, महाराष्ट्र वाला पूरा एरिया जहाँ पे कपास की खेती, कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, वो कहाँ पे होती है, ब्लैक सॉइल पे होती है। तो ये एक्चुअली ऐसा रिसोर्स है जो वहाँ मिलता है और वो कुदरत के दिया हुआ करिश्मा है, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि भाई हम लोग गए और हम लोगों ने वो उगाना शुरू कर दिया और उस उगाने उगाते उगाते ही उनको नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, ऐसा नहीं था, ठीक है। कुछ चीज़ें को इंसिडेंसली मिल जाती हैं। ओके, आगे बात करते हैं। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे, जैसे कि लद्दाख के अंदर यूरेनियम मिल रहा है, तो उसको कहेंगे पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है, क्लियर। जो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं उसकी इंटायर क्वालिटीज़ को हम लोग कभी मेजर नहीं कर सकते हैं, बट एट प्रेजेंट के टाइम पे या फिर हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ों के अंदर हमको मिल जाते हैं तो हमको बहुत अच्छी हम मानते हैं उसको। जैसे कि यूरेनियम लद्दाख में मिलता है तो हमको ऐसा नहीं पता है कि हमको पहले नहीं पता था, पर एट द टाइम प्रेजेंट होने के बाद, सिचुएशन जाने के बाद हमको पता चला कि भाई वहाँ पर ऐसी चीज़ें कभी कभी हुआ करती थी या फिर अभी नहीं है, राइट। आगे बात करते हैं बायोटेक का। बायोटेक के बारे में बता चुका हूँ आपको मैं, बायोटेक रिसोर्सेज के बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई रिन्यूएबल मतलब यूजेबल और नॉन यूजेबल मतलब नॉन यूजेबल, जिसका लिमिटेड स्टॉक्स में लिमिटेड वस्तु अवेलेबल है और वो बहुत टाइम से यूज़ की जा रही है बट उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ती नहीं है, क्लियर। आगे बाकी सब आपको डिटेल में रीड करना है। अब ये आपको, ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, इसको समझने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब रिसोर्सेज, एक्चुअल, पोटेंशियल, क्लियर, दो पॉइंट अभी मैंने आपको जस्ट बताया। कौन सा एक्चुअल वाला, जिसमें आपके कुदरत के दिए हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज आप यूज़ करते हो बट वो ह्यूमन मेड्स में नहीं आ सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सॉइल है या गुजरात के अंदर ब्लैक सॉइल है, जिसके ऊपर आप कपास की खेती कर सकते हो और उसकी उपज बहुत ही बढ़िया आती है, तो वो कुदरत के द्वारा बनाया गया ब्लैक सॉइल है। अब उस ब्लैक सॉइल के ऊपर कॉटन उगाना, वो ह्यूमन मेड्स में आ जाता है, क्लियर। तो दोनों डिफरेंशिएट हैं, ओके। फिर आपका आता है पोटेन वाला। पोटेन्स में क्या होता है कि कुछ चीज़ें या फिर कुछ क्वालिटी का मटेरियल आज अवेलेबल था, कल अवेलेबल नहीं होगा, परसों अवेलेबल हो जाएगा, मतलब डिपेंड्स करता है कि अगर उसको टाइम टू टाइम आपको मिलता है ना तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि रिसेंटली अभी बहुत न्यूज़ आया था कि साउथ अफ्रीका में अभी गोल्ड की 2-3 माइंस में और ऑपरेशन चला है और वहाँ पर डायमंड्स मिल रहे हैं और गोल्ड का बहुत हाई लेवल पर प्रोडक्शन मिल रहा है। दुबई के अंदर भी ऐसा कुछ न्यूज़ सुनने को मिला था अभी कि गोल्ड की खुदान में, मतलब सॉरी, दुबई के अंदर से भी न्यूज़ में आया कि दुबई के शेखों ने वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट किया था, ये था, क्लियर। आगे बात करते हैं ओरिजिन्स। बायोटेक और बायोटेक पता ही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोर्स, नेचुरल, ह्यूमन, ह्यूमन मेड्स, क्लियर। रिन्यूएबिलिटीज, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्लियर। ये जो पैराग्राफ है ना, अभी अभी करो, ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, ये बहुत ही बेसिक है और इस फ्लो चार्ट की मदद से आपको आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके इंडायरेक्टली इस लेवल के ऊपर आपको ये ज़रूरी मिल जाता है। बाकी ये जितने भी आपको ये जो मेन पॉइंट्स दिख रहे हैं जो ब्लैक में हैं, जितने भी आपको येलो मार्क किया हुआ, ये सब कुछ आपके बच्चा जो आपका अगर 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो अगर इन चीज़ों को एक बार पढ़ लेगा ना, तो इसके इसके वन लाइनर डेफिनेशंस तो कहीं नहीं गए, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही था, ज़्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि देखो 6th 7th के अंदर मैंने डिटेल्स में बहुत चीज़ें आपको बता दी ऑलरेडी, तो अगर उन वीडियोस को एक बार आप देख लोगे ना तो आपके डाउट्स, सारे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अदरवाइज जो मैं हमेशा हर लेक्चर में बोलता हूँ कि जो चीज़ें येलो मार्क की वो तो इंपॉर्टेंट है, पर जो चीज़ें येलो मार्क नहीं की हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, क्लियर। तो आपके जो बीच के जो पूरा पोर्शन गया ना, ये वाला जिसको मैंने रीड नहीं किया, जिसमें एक भी मार्क आपको नहीं दिखेगा, तो ऐसा नहीं कि इसको मैंने रीड नहीं किया, इसको भी मैंने रीड किया हुआ है। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो मैंने आपको हिंदी में बता दी हैं, ठीक है, और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैंने आपको समझाई भी नहीं है अभी, क्लियर। तो आपको वो चीज़ें रीड तो करनी ही करनी है, क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।